स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। हम यहाँ पर सेकंड वीडियो स्टार्ट करेंगे। कल हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया था। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। तो हम आगे अपने कार्यों को बढ़ाते हैं और इसी के साथ मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। लास्ट टाइम हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा था और कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा था, मैंने ये नहीं बताया था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको। जस्ट एक इंट्रोडक्शन करवाया गया था कि आपके पास थ्री टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये भी बताया गया था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम आते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कौन सी रहती है, और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या फिर कार्टेशियन टू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमने राइट की थी। आज हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम यूज क्यों करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपको पता है कि ये हमारे पास एक लाइन है जैसे, और लाइन के ऊपर आपका एक वेरिएबल चेंज हो रहा है। जनरली हम इसको ओरिजिन ले लेते हैं और इस तरफ ये एरो का निशान मैं लगा रहा हूं, इसका मीनिंग ये है कि ये आगे जा रही है इनफाइनाइट तक, इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और इसी तरह से हम इसको यहां पर इस तरफ भी, लेफ्ट की तरफ भी ये मूव कर रही है पूरी कंप्लीट, ये ओरिजिन हो जाता है। अब क्या रहता है कि हमें कोई चीज, किसी चीज की मेजरमेंट करनी है, हम यहां पर क्या करते हैं, ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं और इस तरफ मूव करते हैं। इस तरफ मूव करेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा और इस तरफ मूव करेंगे तो यह नेगेटिव रहेगा। और इसके अंदर हम देख पा रहे हैं सिंगल वेरिएबल चेंज हो रहा है और इस वेरिएबल को हम एक्स बोल लेते हैं, एक्स चेंज हो रहा है। तो आप ओरिजिन से मेजरमेंट करते हैं तो एक्स होगा, और हमारे फिजिक्स में इसको वन डायमेंशन मोशन की बात जब हम करते हैं उसमें यह बड़ा ही यूजफुल रहता है कि आप रेफरेंस पॉइंट से कितनी दूर मूव हुए, कितनी डिस्टेंस मूव होकर गए हैं, तो आप इसका यूज कर लेते हैं। फिर क्या रहता है, इसी तरह से जैसे ये वन डायमेंशन है, ये फॉर वन डायमेंशन मोशन के लिए हम इसको यूज करते हैं, टू डायमेंशन मोशन के लिए हमारे पास एक एक्सिस को तो हम एक्स बोल देते हैं और सेकंड को हम वाई बोल देते हैं। ये ओरिजिन रहता है। अब टू डायमेंशन को हम प्लेनर मोशन भी बोलते हैं, एक प्लेन के अंदर मोशन लाई करता है। अब आप देखिए वन डायमेंशन मोशन काफी डिफिकल्ट रहता है कि आप एक ही डायरेक्शन में मूव करते जा रहे हैं, ऐसे तो फिर क्या होगा कि आप किसी की बिल्डिंग में घुस जाएंगे, किसी के घर में घुस जाएंगे, तो ये अलाउड नहीं होता है। कुछ लिमिट के लिए आप कुछ डिस्टेंस तक वन डायमेंशन मूव कर सकते हैं एक ही दिशा में, लेकिन आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल आएंगे। और आप किसी शहर में घूम रहे हैं, किसी सड़क पर जा रहे हैं, तो सड़क भी अपनी डायरेक्शन चेंज करती है टाइम टू टाइम एंड डिस्टेंस टू डिस्टेंस। तो शहर में गलियां होती हैं वो सीधी नहीं रहती, किसी कोई डायरेक्शन रहती है, किसी की कोई डायरेक्शन रहती है। हम सरफेस पे मूव कर रहे होते हैं तो इसको टू डायमेंशन मोशन हम बोल देते हैं। तो जैसे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहां पर डिनोट कर दिया, एक्स इस तरफ है, वाई इस तरफ है, तो ये प्लेन है। अब इसके अंदर मूवमेंट होगी, इसके अंदर मूवमेंट रहेगी तो हम ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू मूव कर रहे हैं, ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास एक पॉइंट है किसी टाइम के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ये ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं पी। और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स एंड वाई से हम डिनोट कर देते हैं। अब एक्स कैसे, आप पी से परपेंडिकुलर डालिए एक्स एक्सिस के ऊपर, ये जिस पॉइंट पर एक्स को कट करेगा वो आपकी ओरिजिन से एक्स हो जाएगा।
और इसी तरह से आप P से Y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालिए, ओरिजिन से Y जितना हो जाएगा ये आपका Y हो जाता है ओरिजिन से, और ये आपका X हो जाता है, और इसको हम पोजीशन वेक्टर R से डिनोट करते हैं। ये टू डायमेंशन मोशन हो जाता है आपका प्लेन के अंदर। वन डायमेंशन मोशन में हम बस पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो चीजें लेते हैं, लेकिन टू डायमेंशन मोशन में आप इस प्लेन में जा रहे हैं तो यहां पर हम वेक्टर नोटेशन यूज करने लग जाते हैं। तो वेक्टर नोटेशन, वेक्टर आप सभी को पता है, मालूम है, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जो अपने साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी एसोसिएट, डायरेक्शन भी अपने साथ रखती है। तो अब ये देखते हैं, ये पोजिशन वैक्टर ओपी है आपके पास, दिस इज ए पोजिशन वैक्टर ओपी, और इसको हमने बोल दिया आर। तो इस आर को हम कैसे राइट डाउन करेंगे एक्स एंड वाई की फॉर्म में, एक्स एंड वाई की फॉर्म में, एक्स एंड वाई की फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स, एक्स की तरफ हम कितने गए, और साथ में ये यूनिट वेक्टर रहेगा आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, प्लस में ये वाई डायरेक्शन में कितने गए, ये मैग्नीट्यूड है आपका, साथ में इसकी डायरेक्शन एसोसिएट करते हैं हम जे कैप से। ये हमने टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कहने का मतलब प्लेन के अंदर एक हमने पोजीशन वेक्टर रख दिया, पोजीशन वेक्टर मीनिंग ओरिजिन से, ओरिजिन से मेजरमेंट हो रही है तो उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं हम यहां पर, ये आपके पास पोजीशन वेक्टर हो गया। और इसी तरह से अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं तो मैग्नीट्यूड कैसे रहेगा, मैग्नीट्यूड आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर आपके पास, ये मैग्नीट्यूड हो जाता है। ये आपके पास पोजीशन वेक्टर मैंने टू डायमेंशन में लिखा है। सिमिलरली थ्री डायमेंशन में हम कैसे जाएंगे, पहले जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही चल रहा है, ये वन डायमेंशन है, ये टू डायमेंशन है, और अभी हम थ्री डायमेंशन में बात करेंगे, अभी हम थ्री डायमेंशन में बात करेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्स की तरफ जा रही है राइट की तरफ, ये वाई है, और ये इस तरफ जेड एक्सिस है, ये एक्स वाई जेड एक्सिस है। अब क्या करते हैं, ओरिजिन भी रहेगा इसका, यस। अब जो यूनिट वेक्टर था, जैसे मैंने ये यहां पर लगाया, यहां पर आई कैप रहेगा, यहां पर आई कैप का मीनिंग ये है कि यूनिट वेक्टर मीनिंग इसका मैग्नीट्यूड तो वन है लेकिन डायरेक्शन ये है आपकी एक्स की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से जे है आपके पास, जे यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड फिर वन है और ये वाई डायरेक्शन, वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो इसी तरह से इसके भी आपके क्या रहेंगे, आई कैप, आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, सिमिलरली के कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। अब इसमें भी अब देखिए थ्री डायमेंशन मोशन है ये, इसलिए हमने एक्स वाई जेड एक्सिस लिए, और कल हमने ये बताया था आपको कि दिस इज ए राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये आपका, और यहां पर हम कोई पॉइंट पी ले लेते हैं, दिस इज पॉइंट पी, इसके अब जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो एक्स वाई जेड, मीनिंग क्या है, एक्स में भी चेंजेस हो सकता है, वाई में भी और जेड में भी, एक वेरिएबल की तरह काम कर रहे हैं, टाइम के साथ जैसे ऑब्जेक्ट मूव करता है किसी भी, उसके पास चॉइसेस है कि वो तीनों डायरेक्शन में किसी तरफ भी जा सकता है। जैसे आपको पता है आसमान में काइट, पतंग जो उड़ रहा होता है, वो सभी चॉइसेस है उसके पास मूवमेंट करने के लिए,
उसके बाद हालांकि वो डोर से बना रहता है, कॉन्स्टेंट है उसके अंदर भी, कहीं ना कहीं एक पक्षी है, पक्षी कहीं पर भी किसी तरह मूव कर सकता है, वो एक्स वाई जेड चेंजेस कर सकता है। एरोप्लेन मतलब स्पेस में कोई भी चीज मूव कर रही है वो थ्री डायमेंशन मोशन को रिप्रेजेंट करती है, और कहीं ना कहीं टू डायमेंशन मोशन एक रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म होता है थ्री डायमेंशन का। एक एक्सिस की तरफ रेस्ट्रिक्ट कर दे आप टू डायमेंशन मोशन में चले जाएंगे, और फिर दो एक्सिस को रेस्ट्रिक्ट कर दें, रेस्ट्रिक्शन कर दें उनकी तरफ, आप वन डायमेंशन मोशन की तरफ मूव कर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप थ्री डायमेंशन एक बहुत आम मोशन है, आप समझ सकते हैं कि तीनों वेरिएबल चेंज हो रहे हैं इसके अंदर, और टू डायमेंशन मोशन में दो वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, और वन डायमेंशन मोशन में ओनली एक वेरिएबल चेंज हो रहा है। और इसी से हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। अब आप देखते हैं पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से पॉइंट बी तक, ओरिजिन से पॉइंट बी तक, ये फिर अगेन आर रहेगा, आर इज ए पोजीशन वेक्टर। अब क्या रहता है, अब जैसे ही हमने यहां पर लिखा इसको, तो यहां पर जो ओपी है ये आपके पास आर पोजीशन वेक्टर है। अब देखेंगे, अब आर आपके पास आई कैप जे कैप और के कैप के अंदर लिखना पड़ेगा। तो यहां पर क्या रहता है, आर इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के, ये आपके पास रहता है। इसके साथ साथ हमने ये वेक्टर तो देख लिया कि x में चेंजेस है, y में चेंजेस है और z में चेंजेस है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे रहेगा, मैग्नीट्यूड आपके पास ये रहता है आप स्क्वायर करिए x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर। अभी आपको जस्ट बताया जा रहा है कि हम हरेक का स्क्वायर करके रूट लगा रहे हैं, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि ये डॉट प्रोडक्ट के थ्रू आ रहा होता है। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया जाएगा बकायदा। और एक बात, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है फिलहाल, ये तीनों एक्सिस ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल मतलब 90 के ऊपर है, एक्स वाई के साथ भी 90 के ऊपर है, जेड के साथ भी 90 के ऊपर है, वाई एक्स के साथ 90 के ऊपर है और जेड के साथ भी 90 के ऊपर है, और जेड एक्स के साथ 90 के ऊपर है और वाई के साथ भी है। फिर आई जे के अंदर क्या रिलेशन रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या आई जे के टाइम के साथ चेंज हो रही है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, कुछ चीजें हम देखेंगे अभी। तो क्या रहता है आपके पास, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आई कैप है इसका टाइम डेरिवेटिव अगर मैं करूं जीरो रहेगा, फिर जे बी जे कैप भी चेंज नहीं हो रहा, एक ही तरफ डायरेक्शन है, सेम है, ये कोई रोटेटिंग फ्रेम नहीं है, अगर रोटेटिंग फ्रेम होता तब कुछ अलग बात थी, अभी ये फिक्स फ्रेम है, अभी ये फिक्स फ्रेम है आपके पास। हो जाएगा, फिर हमने कहा था कि ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ऑर्थोगोनल के लिए कंडीशन अभी मैं आपके सामने लिखना चाहूंगा, आई डॉट आई जीरो रहेगा, आई डॉट आई जीरो नहीं रहेगा, आई डॉट जे जीरो होगा, जे डॉट के जीरो रहेगा, के डॉट आई जीरो रहेगा, क्योंकि तीनों ये 90 के ऊपर है एक दूसरे के साथ, 90 डिग्री का एंगल है इन तीनों का एक दूसरे के साथ, इसीलिए ये ऑर्थोगोनल है। या फिर आप इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं,
अब मन में थोड़ा सा ख्याल आता है कि ये है कैसे, I डॉट J कैप, J कैप डॉट K कैप जीरो, K डॉट I कैप जीरो कैसे कर दिया। थोड़ा सा हम वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वेक्टर आपके पास, जैसे कोई वेक्टर हमारे पास A वेक्टर है, A वेक्टर कोई रहा है, इसी तरह से कोई B वेक्टर है हमारे पास। ये हम क्या करते हैं कि वेक्टर के दो तरह से प्रोडक्ट होते हैं। अब वेक्टर के दो तरह से प्रोडक्ट होते हैं, एक तो हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी। अब ए डॉट बी है, इसको हम लिखने का तरीका होता है ए बी कोस थीटा। आपके मन में ख्याल आया होगा कि ए डॉट बी कोस थीटा कैसे आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माइंड में उठ रहा है, अच्छी बात है। इसी तरह से बताएंगे इसको, थोड़ा सा एक्स टाइम लेकर इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। ए क्रॉस बी, ये भी एक अलग तरह का वेक्टर प्रोडक्ट है जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। फर्स्ट वाले को ए डॉट बी, तो इसमें डॉट आ गया, इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और यहां पर ए क्रॉस बी, यहां पर क्रॉस आ गया, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये आपके पास होगा ए बी साइन थीटा प्लस में। एक चीज और इसमें एसोसिएट होगी, कैप। और ये जो कैप मैंने लगाई है, एन कैप लगाया है, ये यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर कहां पर है, ये यूनिट वेक्टर कहां पर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहता है कि कहां पर रहेगा। तो आप ए क्रॉस बी जिस प्लेन के अंदर है ना, ए क्रॉस बी जिस प्लेन के अंदर है ना, उस प्लेन के परपेंडिकुलर एन कैप रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर बन के आ जाता है हमारे पास, इसलिए इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट होने के बाद हमारे पास एक नंबर आ जाता है स्केलर। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर होता है। अब वेक्टर कैसे? क्योंकि देखो ए बी साइन थीटा ये एक स्केलर नंबर की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, और साथ में एन कैप एसोसिएट है। इसका मतलब यही है कि ये उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये उसकी डायरेक्शन है। कहने का मतलब ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और ये मेरे बताने का मकसद इसलिए है क्योंकि I डॉट J इक्वल टू जीरो, ये समझने के लिए कई बार हम ऑर्थोगोनल सिस्टम बोल देते हैं, तो हम यहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया है हमने, तो I डॉट J ये भी डॉट प्रोडक्ट ही है, J डॉट K ये भी डॉट प्रोडक्ट है, और K डॉट I ये भी डॉट प्रोडक्ट है। तो इससे हम समझ सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको ये थोड़ा सा बताने की कोशिश करना चाह रहा हूं मैं कि डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा क्यों आता है, कोस। इसी तरह से ए क्रॉस बी में साइन थीटा क्यों आ रहा है, ये थोड़ा सा हम देखते हैं ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसको समझने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल जैसे ये एक वेक्टर है ए, इसको मैंने ए वेक्टर बोल दिया, इसको मैंने ए वेक्टर बोल दिया इस तरफ। सेकंड एक बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और दोनों में एंगल आपके पास थीटा है। अब क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब जो ए डॉट बी है उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए इंटू में बी कोस थीटा, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं बी इंटू में ए कोस थीटा। अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल के आ जाता है हमारे पास। जैसे क्या हुआ, बी एक वेक्टर है, बी को हम रिजोल्व कर सकते हैं, रिजोल्व
ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक मीन्स एक तो हम ए के अलोंग और एक हम ए के परपेंडिकुलर। अब चूंकि आपका ए एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, दिख रहा है हमें एक्स एक्सिस की तरफ है ये, तो बी को हम कैसे लिख सकते हैं? अब बी का कंपोनेंट तो इस तरफ आ जाएगा, बी साइन थीटा। सेकंड, आपका बी का कंपोनेंट बी कोस थीटा यहां पर आ जाएगा आपके पास, और इसका प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन डाल दीजिए ए के ऊपर बी का। तो इसका मीनिंग देखो बच्चे क्या है, बी कोस थीटा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मीनिंग ए के ऊपर कितना प्रोजेक्शन है, तो ये आपके पास ये रिप्रेजेंट करता है। सेकंड, आप ये भी बात कर सकते हैं ए का प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर, ये एक प्रोजेक्शन को डिनोट करता है डॉट प्रोडक्ट, तो इसलिए यहां पर कोस थीटा आता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि कोस थीटा क्यों आ रहा है आपके पास। ट्रिग्नोमेट्री से भी आप इसको देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, आप देख रहे हैं, तो इससे भी आप साइन एंड कोस की रिलेशन निकाल सकते हैं, और उससे भी आप इसको देख सकते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट ऐसे कैसे होता है हमारे पास। अब हम डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से ये प्रूफ करेंगे कि ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास, कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड का, ये देखते हैं हम एक बार। अब देखो हमारे पास जैसे ए डॉट बी है, ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है ए बी कोस थीटा। अब ए की जगह आई कैप रख देते हैं, बी की जगह जे कैप रख देते हैं, और अब देखते हैं आई एंड जे, आई ये है जे ये है, इनके बीच में 90 का एंगल है, एंड हम सारी चीजें पुट करते चलते हैं, आई डॉट जे इक्वल टू आई का मैग्नीट्यूड इंटू में जे का मैग्नीट्यूड, दोनों में थीटा कितना है 90, और कोस 90 आप सभी को पता है जीरो होता है, कोस 90 जीरो होता है आप सभी को पता है, तो आई डॉट जे आपके पास जीरो निकल के आ जाता है। इसी तरह से आप जे डॉट के भी ट्राई कर सकते हैं, के डॉट आई कैप भी, के कैप डॉट आई कैप भी ट्राई कर सकते हैं, सभी आपके पास जीरो आएंगे। एक तो ये आपके पास याद रखने की इंपॉर्टेंट बात है, फिर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आई कैप डॉट आई कैप ये वन है आपके पास, जे डॉट जे कैप ये वन है, के डॉट के कैप ये भी आपके पास वन है। अब इसको भी आप चेक कर सकते हैं दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट वाली इक्वेशन से, कैसे ये देखो ए डॉट बी वही इक्वेशन याद रखिए, एंड उसी से आपका काम चल जाता है ए बी कॉस थीटा। अब देखो आई कैप डॉट आई कैप दोनों ही एक्स एक्सिस की तरफ हैं, तो दोनों में एंगल कितना रहेगा जीरो। अब ए की जगह आई कैप रख दीजिए, बी की जगह आई कैप रख दीजिए, तो क्या होगा आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू में आई कैप का मैग्नीट्यूड साथ में कोस जीरो, और ये आपको पता है बच्चे कोस जीरो आपके पास वन होता है। अब कोस जीरो वन होता है, आई कैप का मैग्नीट्यूड आई कैप का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज वन, पहले भी हमने डिस्कस किया है, पहले भी आपको मैंने बताया है ये बात, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा वन। तो आई कैप इंटू में आई कैप ये वन आ गया, जे डॉट जे कैप ये भी वन होता है, के कैप डॉट के कैप ये भी वन होता है, ये आपको पता चल गया यहां पर यहां से। तो किसी भी दो वेक्टर को, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब वो ऑर्थोगोनल है, वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ। तो इस पे काफी न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं कई बार कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर,
दो वेक्टर के बीच में 90 का एंगल है तो आपको पता चल जाएगा कि वो ऑर्थोगोनल है, इस आइडेंटिटी का यूज कर लिए। अभी थोड़े देर पहले मैंने ये कहा था कि जो आर वेक्टर है एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के, ये पोजीशन वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया था आर वेक्टर का मोड इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, और मैंने आपको ये प्रोमिस किया था कि हम इसको डॉट प्रोडक्ट से समझते हैं तो ये आसान रहता है काफी। और ये जो एक्सप्रेशन डायरेक्ट लिख दिया था तो मन में ख्याल आता होगा कि डायरेक्ट कैसे, ये तो याद कर रखा होगा, लेकिन याद नहीं, ये हम निकाल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट से। कैसे? जैसे वही इक्वेशन लिखो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा। अब ए को भी आर वेक्टर के बराबर रख दो, बी को भी आर वेक्टर के बराबर रख दो, तो क्या रहेगा इसमें? रख दो आर डॉट आर, या डॉट आर रखा आपने, ओके बाय, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद आप वैल्यू रख लीजिए इसकी, कार्टेशियन कंपोनेंट में एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप इनटू में डॉट प्रोडक्ट एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, ये हमने लिख दिया। अब आपको पता है तीन टर्म इसके अंदर है और तीन टर्म इनके अंदर है, तो टोटल ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास 9 टर्म आ जाएंगी, लेकिन 9 में से 6 टर्म आपकी जीरो हो जाएगी। किस लॉजिक के साथ? आई कैप डॉट जे कैप जीरो है, ये आइडेंटिटी यूज करने के बाद आपके पास 6 टर्म यहां से फिनिश हो जाएंगी, आपकी 6 टर्म यहां से गायब हो जाएंगी। तो बचेगी कौन सी? एक्स का एक्स के साथ स्क्वायर आई कैप डॉट आई कैप, एक ये टर्म बचेगी। सेकंड वाई का वाई के साथ वाई स्क्वायर जे कैप डॉट जे कैप, थर्ड टर्म जेड स्क्वायर के कैप इंटू में के कैप, ये बच जाएगी। और ये नीचे वाली जो है आई कैप डॉट आई कैप, ये वन है तो ये वन हो जाएगा आपके पास, ये भी वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास? दिस इज इक्वल टू वन, दिस इज इक्वल टू वन, दिस इज इक्वल टू वन, और आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, ये आपके पास आ जाता है। और आपको पता है आर डॉट आर, ये तो आर का मोड इंटू में आर का मोड और कॉस जीरो, दोनों में जीरो वेक्टर ही है, जीरो एंगल ही होगा ना, सेम वेक्टर है दोनों तो जीरो एंगल होगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, और आर आपके पास आ गया बच्चे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आपके पास आ जाता है। ये मोड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं आर वेक्टर का। ये आपको पता चल गया कि वहां पर मैंने लिख दिया था डायरेक्ट, और डॉट प्रोडक्ट से आपको मैंने ये निकाल के भी दिखा दिया। इसी तरह से 2D में भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 2D में कैसे रहेगा? 2D में आपको पता है एक रेस्ट्रिक्शन लग जाती है एक एक्सिस की तरफ, हमारी एक एक्सिस की तरफ रेस्ट्रिक्शन लग जाती है, अगर 2D में इसको करना चाहूं तो क्या रहेगा आपके पास? इसको रब कर दीजिए, जेड तो है ही नहीं 2D में, एक्स वाई मान लीजिए या वाई जेड मान लीजिए या जेड एक्स मान लीजिए, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको और किसको कंसीडर करते हैं। तो फिर इसका मोड क्या हो जाएगा? ये आपके पास इतना रह जाएगा, लिखा भी था स्टार्टिंग में 2D जो मैंने कोऑर्डिनेट लिखा था। ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, इसके यूनिट वेक्टर के बारे में नॉलेज होगी हमें, पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो पता चल गया हमें, उसके बाद हमें ये पता चल गया कि ये ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे की एक्सिस, ये भी हमें मालूम पड़ गया। इसके बाद डॉट प्रोडक्ट देखा हमने दो वेक्टर का, फिर देखा कि डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, एक वेक्टर का दूसरे के ऊपर प्रोजेक्शन होता है और दोनों में जो एंगल होता है वो कोस कंपोनेंट में रिजोल्यूशन बोल के सोल्व कर सकते हैं या फिर प्रोजेक्शन बोल के भी आप इसको सोल्व करके बताया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें अब तक। अब हम क्या करने का विचार हमारा, अब प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट, अब हमें एक एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट ये रही कि टाइम डेरिवेटिव आई कैप जे कैप और के कैप का जीरो रहता है।
ये आपके पास आपको समझ में आ गया होगा। एक और यहां पर मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, जैसे कि आपने पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं हम फिजिक्स में, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या रहता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसको डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसकी क्लासिफिकेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। बेसिकली मैं दो क्लासिफिकेशन यहां पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक तो हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकंड को बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक क्लासिफिकेशन तो आपके पास ये हो जाती है। फिर अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है आपके पास, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि रेफरेंस, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने बोला है, ये क्या है। ओके, बहुत बढ़िया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, देखिए जो आपके पास कोऑर्डिनेट है, ये जो आपके पास ये कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई जेड एक्सिस है इसमें। अगर इसमें तो यहां पर लेंथ को ही मेजर कर सकते हैं, एक्स को कर सकते हैं, वाई को कर सकते हैं, जेड को कर सकते हैं, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो हम मोशन को डिफाइन करते हैं। हालांकि कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड टाइम के साथ चेंजेस होंगे, तो टाइम की नॉलेज भी एसोसिएट होनी चाहिए ना हमारे पास, टाइम की नॉलेज भी होनी चाहिए ना हमारे पास। तो टाइम की नॉलेज हम किससे ले सकते हैं, एक क्लॉक। जब हम एक क्लॉक को अटैच कर दें कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास, यहां पर मैंने एक क्लॉक अटैच कर दी, एक क्लॉक मैंने यहां पर अटैच कर दी, दिस इज ए क्लॉक। क्लॉक क्या क्या क्लॉक का काम क्या है, टाइम के बारे में बताना। तो किसी ऑब्जेक्ट के वेरिएबल एक्स में चेंज हो या वाई में चेंज हो, या दोनों एक्स वाई में चेंज हो, या तीनों एक्स वाई जेड में चेंजेस हो टाइम के साथ, तो हम उसके मोशन को डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लॉक। जब हम क्लॉक रख देते हैं किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और वो कोऑर्डिनेट अब कोऑर्डिनेट ना रहकर एक नया नाम आ जाता है, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात आती है, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट, आपका जो रूम है ना, एक रूम है या फिर आपकी लैब है कॉलेज में, वो आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक सेंस में। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग भी परिभाषित कर सकते हैं, जिसके अंदर न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर ऑल द लॉ ऑफ फिजिक्स वैलिड रहे, उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ, एंड लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है न्यूटन का, अगर कोई चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और कोई यूनिफॉर्म या कॉन्टिन्यूस मौसम में है तो कॉन्टिन्यूस मौसम में रहेगी, कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य फोर्स ना लगे। ये आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेटेड हो, या फिर कुछ टाइम के बाद उसमें चेंजेस आए, वो कौन सा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें न्यूटन के लॉ वैलिड ना हो, नॉन इनर्शियल सिंपल भाषा में, जिसमें न्यूटन के लॉ वैलिड हो इनर्शियल, या फिर ऑल द लॉ ऑफ फिजिक्स आर वैलिड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑल द लॉ ऑफ फिजिक्स आर नॉट वैलिड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेट कर रहा है, फिर उसमें आई कैप जे कैप और के कैप चेंज रहेंगे टाइम के साथ, रोटेशन के साथ,
फिर ट्रांसलेशन में हो सकते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन यूनिफॉर्मली ट्रांसलेट हो रहा है, वो भी नॉन इनिशियल बन जाएगा। तो वो बातें करेंगे हम इनिशियल एंड नॉन इनिशियल फ्रेम के बारे में और भी गहराई से, लेकिन यहां पर एक इंट्रोडक्शन सा बताया गया है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है आपका, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था मेरी तरफ से। सेकेंड क्लासिफिकेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मैं ये करना चाहूंगा, लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लैब बोलते हैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और सेकेंड सेंटर ऑफ मास। एक लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब देखिए लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहीं ना कहीं इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहता है, और रिलेशन भी रहती है लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ये दोनों हैं, डिस्कस किया जाएगा इनके बारे में, लेकिन ये एक था थोड़ा सा यहां पर लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बेसिकली यही रहता है इनिशियल एंड नॉन इनिशियल। ये आपके पास है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक मैंने ये बताया है कि वन डायमेंशन मोशन में हम एक वेरिएबल को से काम चला लेते हैं, टू डायमेंशनल मोशन में हम एक्स एंड वाई दो वेरिएबल हो सकते हैं, कोई भी दो वेरिएबल हो सकते हैं, जरूरी नहीं एक्स एंड वाई रहे, और थ्री डायमेंशन मोशन में हम थ्री वेरिएबल से काम चलाते हैं एक्स वाई एंड जेड। फिर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये आपको एक्सप्लेन किया कि ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर आई कैप, जे कैप एंड के कैप, के कैप आपके पास क्या रहता है, डिनोट करते हैं दूसरे के साथ, और दोनों में उनके उनके डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाते हैं, ये आपके पास रहता है। फिर हमने ये बात की कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जब किसी कोऑर्डिनेट आर्टिसन कोऑर्डिनेट के साथ क्लॉक एसोसिएट कर दे तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। फिर हमने कहा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह से होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने ये बताया कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका लॉ ऑफ इनर्शिया को वैलिड करता हो, या फिर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स हो, या फिर कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहता है। फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में आपको एक्सप्लेन किया कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या रहता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। फिर एक चीज हमने ये कहा कि कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स है या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स है तो आई जे के टाइम के साथ चेंज नहीं होते। अब यूनिट वेक्टर हमने जैसे ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बात किया, ऐसे ही यूनिट वेक्टर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करेंगे। नेक्स्ट टाइम जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में डिस्कशन रहेगा, और प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट का रिलेशन विद द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर। तो थैंक यू वेरी मच।